आगरा के तहसील सदर में महीने के पहले शनिवार को आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, जिसमें उपजिलाधिकारी तहसील सदर रजनीश वाजपेयी समेत अन्य अधिकारियों ने जन शिकायतों को सुना। समाधान दिवस में आई कुल 182 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शनिवार को तहसील सदर में कई दर्जन भर से अधिक लोग पहुंचे। इन्होंने शिकायतों के निस्तारण न होने का आरोप लगाया। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। 182 शिकायतों में से 10 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसमें सबसे ज्यादा राजस्व विभाग की 55, पेंशन और आय जाति प्रमाण पत्र की 2-2 शिकायतें शामिल रहीं। साथ ही पुलिस विभाग की 39, नगर निगम की 14, आगरा विकास प्राधिकरण की 8, विद्युत विभाग की 11 मुख्य रूप से सामने आई। संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी तहसीलदार सदर रजनीश वाजपेयी और तहसील सदर के नायब तहसीलदार सुधीर गिरी ने शिकायतों को सुना। इस दौरान तहसील दिवस में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे फरियादियों ने बताया कि खसरा खतौनी में नाम चढ़ाने के लिए 2 माह पूर्व आवेदन दिया गया था, अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। बरौली अहीर से राजकुमार यादव ने ग्राम पंचायत गुतला में विरासत दर्ज न होने पर आरोप लगाए। समाधान दिवस में आई शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में दोबारा आने वाली शिकायतों पर जवाबदेही तय करते हुए जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए तहसीलदार सदर रजनीश वाजपेयी ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 182 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। सभी शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के निर्देश संबंधित विभाग को दे दिए गए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, पुलिस विभाग और समाज कल्याण आदि संबंधी शिकायतें हैं और जिनका निस्तारण के लिए सभी को सूचित कर दिया गया है और समय से निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए भी बोल दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनका निस्तारण न्यायालय से होना है, उसके लिए न्यायालय के लिए भेज दिया गया और प्रार्थी को अवगत भी करा दिया गया। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिनके लिए टीम एक बार जा चुकी है, मौके पर काम भी कर चुकी है, लेकिन फिर से उसके लिए संपूर्ण निस्तारण के लिए पुनः पत्र जारी किया जा चुका है। जो अधिकारी नहीं आई है उनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस को शासन की प्रमुख प्राथमिकता में है। तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों का विवरण सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होने के कारण IGRS पर जितनी भी शिकायतें जनता दर्शन के माध्यम से आती हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। शिकायतकर्ता पर सीधे लखनऊ स्तर से फोन आता है कि आप अपनी शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट हैं या नहीं, लेकिन जिला स्तर पर कुछ अधिकारी अपनी मनमानी के कारण जन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन अब तहसील सदर में तहसील दिवस पर आने वाली शिकायतों को गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण और संबंधित विभाग को जवाबदेही के साथ शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा है। आगरा की तहसील सदर से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।